Hey guys, once again, welcome back. दोस्तों इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर शून और दोसिक दोनों ही किस करने के बाद बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद डॉक्टर शून उसे कहती है कि हमने किस भी कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो दोसिक थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि ज्यादा शैतान बनने की जरूरत नहीं है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में जाते वक्त डॉक्टर शून उसे बताती है कि कल ली सिंग ने उसे प्रपोज किया था, पर उसने उसे 2 दिन का टाइम मांग लिया है। तो दोसिक उसे कहता है कि उस घोंचू को देखकर लग रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है और एक बार उसने मुझे इनडायरेक्टली ये बात बताई भी थी। इस पर डॉक्टर शून उसे कहती है, तो तुमने फिर उसे रोका क्यों नहीं। दोसिक कहता है कि तब मुझे पता नहीं था ना कि मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा और तुम मेरी जान, मेरी धड़कन बन जाओगी। इसके बाद दोनों के बीच डिसाइड होता है कि वो कुछ दिनों तक अपनी रिलेशनशिप को सबसे छिपा कर रखेंगे। रात को सोने से पहले डॉक्टर शून दोसिक को कॉल करती है और वो दोसिक की प्यार भरी बातों को सुनकर थोड़ी सी शर्मा जाती है। वो दोनों काफी सारे प्यार भरी चटपटी बातें करते हैं। खैर, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोसिक ने डॉक्टर शून को बचपन में फोटो खींचने वाली इंसिडेंट को याद करा के उसे चौंका दिया था, तो यहाँ पर डॉक्टर श्यून भी उसके साथ उन दोनों की बचपन का एक किस्सा शेयर करती है। वो कहती है कि जब मैं 10th क्लास में थी तब मैं अपने पिता से नाराज होकर घर से दूर इस गांव में भाग आई थी और वहाँ पर एक लड़की ने मुझे रोता देख मेरे लिए जूस खरीदा था और मुझे वापस अपने घर चले जाने के लिए कहा था, और वो लड़का तुम थे। दरअसल डॉक्टर शून जब पिछली बार दोसिक के घर गई थी तब उसे दोसिक की बचपन वाली फोटो देखकर वो इंसिडेंट याद आ चुका था और तब से ही वो दोसिक को पहचानती थी। सारी बातें जानने के बाद दोसिक भी हक्का बक्का रह जाता है, जहाँ पर डॉक्टर शून को ये लग रहा था कि उनकी डेस्टिनी में लिखा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए तो बचपन से आज तक वो बार बार किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी हालत में एक दूसरे के सामने आते रहे हैं। लेकिन दोसिक को ये सब महज कोइंसिडेंस लग रहा था। दूसरी तरफ अगली सुबह ली सिंग फिर से अपने काम से छुट्टी लेकर गोंगजिन गांव वापस चलाता है, क्योंकि डॉक्टर शून उसे आज जवाब देने वाली थी। वो होयुन के कैफे में डॉक्टर यून का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर यून भी वहां पर आती है। वो दोनों अपने कॉलेज वाले दिनों को याद करके काफी सारे बातें करते हैं। डॉक्टर यून उसे बताती है कि मेरे लाइफ में तुम ही वो पहला शख्स हो जो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करता था। दोस्ती के हिसाब से तुम सबसे मेरी खास दोस्त हो, लेकिन कॉलेज टाइम से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है और अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही ली सिंग का चेहरा उतर जाता है। फिर भी वो भारी मन से डॉक्टर शून को ये कहता है कि वो पर्सन बहुत ही खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर में तुम लिखी हो। जब वो दोनों होटल से बाहर जा रहे थे तब दोसिक भी वहां से गुजर रहा था। दोसिक को देखकर ली सिंग का पारा चढ़ जाता है। जब वो दोसिक से बात कर रहा था तो उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे दोसिक से जलन हो रही है। फिर वो दोनों इकट्ठे दादी को उनके कामों में हेल्प करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। यहाँ दोनों को एक साथ जाता देखकर डॉक्टर शून घबरा रही थी कि वो दोनों कहीं आपस में झगड़ा ना कर ले। इधर दादी के घर पर काम करते हुए ली सिंग दोसिक को कहता है कि डॉक्टर यून ने मेरी प्रोपोजल को ठुकरा दिया। मुझे ये तो नहीं पता कि वो शख्स कौन है, लेकिन डॉक्टर यून जिसे इतना ज्यादा प्यार करती है वो इंसान बिल्कुल भी डॉक्टर यून के काबिल नहीं है। ये बात दोसिक के दिल में तीर की तरह चुभती है और तुरंत ही उसके मुंह से निकल जाता है कि वो डॉक्टर यून को डिजर्व करता है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। दोसिक की हड़बड़ाहट देखकर ली सिंग कहता है कि मुझे पता था कि वो पर्सन तुम ही हो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि डॉक्टर यून जहाँ भी रहे बस खुश रहे। यहाँ पर ली सिंग किसी दिल टूटे आशिक की तरह डॉक्टर यून को दोसिक के हाथों में सौंप देता है। दूसरी तरफ मिस्टर चेंग मिस हुआ जून के साथ अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता था, इसलिए वो उसके होटल पर जाता है खाना खाने के लिए। लेकिन तभी एक औरत मिस हुआ जून के साथ किसी डाइवोर्सी आदमी के लिए रिश्ते की बात कर रही थी। यहाँ पर मिस्टर चेंग को गलतफहमी हो जाती है कि वो रिश्ता मिस हुआ जून के लिए आया है, इसलिए वो बेबजा ही मिस हुआ जून पर गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। शाम को दोसिक डॉक्टर शून के घर पर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर शून उसे पूछती है कि ली सिंग और तुम्हारे बीच तो कोई झगड़ा नहीं हुआ ना, और उसने तुम्हें क्या कहा। तो दोसिक उसे कहता है कि उसने मुझे पसंद कर लिया है। इस पर डॉक्टर शून थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। दोसिक कहता है कि हाँ ये सच है, ली सिंग ने मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, और अब तो तुम्हें हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। परंतु डॉक्टर यून उसे साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जब सब लोगों को पता चलेगा तो हर कोई हमसे ये सवाल पूछेगा कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, और कुछ तो ये तक कहेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही दोसिक जोर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि अरे मेरी दिल की रानी, यहाँ पर सबके पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो दिन भर दूसरों के बारे में ही बात करते रहे, और तुम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं हो कि सारे लोग तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे।
दरअसल डॉक्टर शून जब तक हो सके अपनी रिलेशनशिप को सबसे छुपाना चाहती थी, लेकिन दोस्ती का ये मानना था कि गोंगजिन जैसे छोटे गांव में कोई बात ज्यादा दिन तक नहीं छुपाया जा सकता, लोगों को कहीं ना कहीं से ये बात पता चल ही जाएगी। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। खैर, आखिर में उन दोनों के बीच ये डिसाइड होता है कि वो जब तक हो सके उनकी रिलेशनशिप को सबसे छिपा कर रखेंगे। इसके बाद दोनों मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे के बाहों में झूम रहे थे, तभी मेसन उस रूम में एंटर करती है और उन दोनों को खुशियों के पल बिताता देख उसे अपनी प्यार चोयोंचुल का याद आ जाता है और वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ ली सेंग को प्रोडक्शन हाउस से बार बार कॉल्स आ रहे थे, लेकिन वो किसी दिल टूटे आशिक की तरह शराब पीकर टल्ली हुए जा रहा था। खैर, अगली सुबह डॉक्टर ह्यून मिस्टर हो ह्यून की कैफे में कॉफी पीने के लिए जाती है। वहाँ पर दोस्तिक भी होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। दोस्तिक डॉक्टर ह्यून के लिए उसकी फेवरेट कॉफी बनाना शुरू करता है और इस दौरान कॉफी के कुछ चीटे उसके चेहरे पर भी लग जाते हैं, तो डॉक्टर ह्यून काफी प्यार से दोस्तिक के चेहरे को साफ कर रही थी। दोस्तिक भी डॉक्टर ह्यून की इस कंपनी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसे डोर ओपन करने की आवाज सुनाई देती है और वो दोस्तिक के चेहरे को साफ करने की बजाय उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देती है। अंदर आते ही मिस्टर हो ह्यून और दोस्तिक दोनों को ही डॉक्टर ह्यून की ये हरकत काफी अजीब लगता है। डॉक्टर ह्यून दोस्तिक को झूठ मूठ का डांट कर वहां से निकल जाती है। यहाँ मिस्टर हो ह्यून जिन्होंने शायद कुछ भी नहीं देखा था, वो दोस्तिक की तरफ देखकर मन ही मन बोलते हैं कि आखिर दोस्तिक ने ऐसी कौन सी गिरी हुई हरकत करा होगा जो उसे इनाम में थप्पड़ नसीब हुआ। वो उसके चेहरे को सहलाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा आलू जैसा चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो गया है, आखिर तुमने ऐसा किया क्या? लेकिन बेचारे दोस्तिक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खैर, दोस्तिक वहां से निकलकर दूसरे कामों में जा रहा था, तब डॉक्टर ह्यून उसे मैसेज करके थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगती है। यहाँ पर डॉक्टर ह्यून के पूछने पर दोस्तिक उसे बताता है कि वो अभी नामसुक के होटल पर जा रहा है कुछ खाने की ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम ली सेंग को देखते हैं जो हड़बड़ी में वापस अपनी जॉब पर गया है। यहाँ पर जी वुन जो कि उसकी फीमेल कॉलीग है, वो उसका उदास चेहरा देखकर समझ आती है कि डॉक्टर ह्यून ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जी वुन कहीं ना कहीं ली सेंग को पसंद करती है, लेकिन वो अब तक ये बात ली सेंग से छुपाते आ रही है। उधर मिस्टर चेंग को पिछली रात को कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से सुबह सुबह हैंगओवर हो रही थी, इसलिए उनका एक जूनियर कॉलिग उन्हें थर्मस से गरम गरम काढ़ा निकाल कर दे रहा था और मिस्टर चेंग ये समझ रहे थे कि उसे प्रमोशन चाहिए, इसलिए वो उनकी ची हजूरी कर रहा है। पर असल बात तो हमें आने वाले अगले एपिसोड में पता चलेगा। उधर क्लिनिक में डॉक्टर ह्यून दोषी को मिस कर रही थी और उसे दोषी को देखने का मन हो रहा था, इसलिए वो जानबूझकर नामसुक की होटल से कुछ खाना ऑर्डर करती है और कुछ ही देर में दोस्तिक भी खाना लेकर उसके पास पहुंच जाता है। मेसन फिर से उन दोनों को साथ में देकर उदास होने लगी थी, इसलिए दोस्तिक जल्द से अपना खाना डिलीवर करके वहां से जाने लगता है। डॉक्टर ह्यून भी भागी उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें काफी अरसे से नहीं देखा है। वो उसे सुबह थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगती है और उसकी गालों को सहलाते हुए पूछती है कि मेरी जानू को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ ना। दोस्ती को भी डॉक्टर ह्यून का टच अच्छा लग रहा था और वो मजाक मजाक में कहता है कि तुमने मुझे इस तरफ नहीं दूसरी तरफ मारा था, तो डॉक्टर ह्यून मेरी बेबी को बहुत दर्द हुआ होगा ना, ये कहकर उसके चेहरे को धीरे से फूंक मार रही थी। लेकिन किस्मत को तो उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी और तभी डॉक्टर ह्यून को सीढ़ियों पर आते हुए नामसुक की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही दोस्ती की टांग पर वार करके उसे नया दर्द दे देती है। दोस्तिक भी जोर से चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। नामसुक ये सब देखकर जल्दी से दोस्तिक के पास आती है। यहाँ पर डॉक्टर ह्यून नाटक करते हुए कहती है कि मैंने खास तौर पर स्पाइसी रेमन ऑर्डर करा था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और तुम उसे लाए बिना ही ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए। इधर नामसुक डॉक्टर ह्यून को इतने गुस्से में देखकर मन ही मन सोच रही थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए दोस्तिक को इस तरह मारना कहाँ तक ठीक है। वो उसे कहती कि हाँ बेचारा दोस्तिक तुम्हारा ऑर्डर भूल कर आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे मारने लगोगी, आखिरकार मैं तुम्हारी ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। लेकिन डॉक्टर ह्यून गुस्से का नाटक करते हुए वहां से अंदर चली जाती है। यहाँ पर नामसुक को दोस्ती की परवाह हो रही थी, लेकिन दोस्तिक मन ही मन उन्हें कोस रहा था कि उसी के यहाँ आ जाने की वजह से उन दोनों की रोमांस में दरार आ गया और ऊपर से उसे डॉक्टर ह्यून से मार भी खाना पड़ा। बेचारा दोस्तिक, ना जाने डॉक्टर ह्यून की प्यार में उसे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में भी दोस्तिक क्या इसी तरह मार खाता रहेगा या फिर उन दोनों के बीच कुछ खास कुछ स्पेशल होगा, जानेंगे आने वाले अगले एपिसोड में।